तो थ्रोन ऑफ सील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को हावचन को दिखाया जाता है, जो कि इस गेट से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में आइस एट्रीब्यूट वाली पावर होती है, जिसे देखकर सीमा सेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो हावचन को पूछने लगता है यह किस तरह का गिफ्ट है। और वो यह बोलने के बाद में उसे अपने हाथों में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यह चीज बहुत ही ज्यादा हैवी होती है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद लिनसिन बोलता है ये आइस एलिमेंट की पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को फायर एट्रीब्यूट और आइस एट्रीब्यूट वाले वॉरियर को दिखाया जाता है, जो कि जब आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये आइस एट्रीब्यूट वाला वॉरियर हावचन को मास्टर बोलता है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही उसने कुछ देर के लिए आइस एट्रीब्यूट की पावर को अपने पास रख लिया था। इसके बाद हावचन अपने साथियों को बताने लगता है कि ये दोनों वॉरियर अब से मुझे अपना मास्टर मानते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को जब चाहूं बुला सकता हूं और ये सब रिवॉर्ड मुझे इस टेस्ट से मिला है, जिसे सुनने के बाद लिनसिन थोड़ा सा खुश हो जाता है और साथ ही सीमा सेन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी एक नाइटिंग वॉइस हावचन को बताने लगती है कि तुमने फर्स्ट लेवल को क्लियर कर लिया है और बाहर में मेरा एक गोल्डन गार्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही मेरे जितने भी वॉरियर हैं उन सभी के लेवल 9 लेवल से भी ज्यादा है, और फ्यूचर में तुम्हारी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी उन लोगों की पावर ऐसे ऐसे एक्टिवेट होते जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सेकंड फ्लोर का दरवाजा खोल रहा हूँ जिनके अंदर होली डिमंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद सीमा सेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके सेकंड फ्लोर की ओर चले जाना चाहिए। इस पर हावचन अपने सभी साथियों को समझाने लगता है कि होली गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है और उसे हराने में हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ और तुम लोगों का प्रैक्टिस इस जगह पर कैसा चल रहा है। इस पर सैर बोलती है हम लोग बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ ही हम सभी लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 6000 से ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बाद हम सभी लोगों को इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल दिखाया जाता है कि इन लोगों ने कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है। ये लोग अपनी स्पिरिचुअल लेवल को यहाँ पर हावचन को दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी हावचन बोलता है तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि मुझे हावयू को सिग्नल देना चाहता है, मुझे लगता है कि वो दोबारा से विकसित हो रहा है। इस पर लिनसिन बोलता है क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। तभी चेरी चैन भी हावचन को बोलती है क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इस पर शेयर भी बोलती है क्या वो इस दुनिया में अब दोबारा से आने वाला है, और ये सभी ये बोलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हावचन जाकर शेयर के हाथ को पकड़ लेता है और इन सभी लोगों को लेकर हावयू के वर्ल्ड में जाने लगता है, जहाँ पर वो रहता है, जिसमें इन लोगों को पहले तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही वो लोग हावयू के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि हावयू का वर्ल्ड इतना ज्यादा खतरनाक दिखता है। तभी एक डीमन लिनसिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर हावचन उसे मारकर दूर कर देता है, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हम लोग ऑस्टन ग्रिफिन को मार डालेंगे। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है, हम लोगों को हावचन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो गया होता है और वो अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके साथी उसके आसपास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को हावयू को दिखाया जाता है जो कि हावचन के पास आ जाता है। इस चीज को देखकर हावचन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो उसके लिए एक सूखी मछली को निकाल लेता है, क्योंकि हावयू को यह बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। लेकिन जब हावयू इसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तब वो हावचन के आर पार हो जाता है। इस चीज को देखकर हावचन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है शायद ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि मेरे साथी किस जगह पर हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को ढूंढना होगा और साथ ही मैं अपने साथियों के साथ कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर हावयू का पीछा करना होगा, जिसकी वजह से शायद से मुझे अपने साथी मिल जाएंगे। और वो यह बोलने के बाद में इसका पीछा करने लगता है, जहाँ पर हावयू बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है और इस चीज को देखकर हावचन थोड़ा सा शॉक होता है कि हावयू ने यहाँ पर एक बिच्छू को खा लिया है, जिसकी वजह से हावचन हावयू को बोलने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हावयू तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो एक लेक के पास जाकर उसके ऊपर छलांग लगा देता है, लेकिन उसे इल्यूजन हो रहा था क्योंकि यह तो एक रेत में जाकर गिरा होता है। इस चीज को देखकर वो थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है, हम लोगों को एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हावयू और हावचन बैठे हुए थे। तभी हावयू इस केव से बाहर की ओर निकल जाता है और वो बारिश के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जी ही जय पर जल जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर हावचन बोलता है हावयू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हावचन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को एक स्प्रेयर को दिखाया जाता है जो कि सीधे जाकर हावयू को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, इसलिए हावचन यहाँ पर अलर्ट हो जाता है ताकि वो हावयू को बचा सके। लेकिन तभी हम लोगों को कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो कि हावयू को मारने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, और साथ ही वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हम लोग ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मार डालेंगे, लेकिन हावचन उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जितने भी डीमन होते हैं वो सभी स्प्रिट होते हैं, जिसकी वजह से हावचन चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी हावचन को कुछ पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ पर हावयू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है, और पहले पहले तो हावयू हावचन से बहुत ही ज्यादा डरता था, लेकिन वो अंत में उसके साथ एक फ्रेंड की तरफ बिहेव करने लगा। और जब पहली बार हावचन को हावयू मिला था तब वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डीमन हावयू को मार रहे होते हैं, जिसकी
की वजह से हावयू को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही कुछ डीमन हावयू को बोल रहे थे तुमने बहुत ही ज्यादा बुरा काम किया है इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा तड़पाएंगे जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी जलकर राख हो जाएगी ताकि तुमने यहाँ पर जो किया है वो दोबारा से और कोई करने के बारे में सोच ना सके। और ये बोलकर बहुत ही ज्यादा हावयू को तड़पाने लगते हैं। तभी हम लोगों को दो वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को ऑस्टिन ग्रिफिन को जान से मार देना चाहिए क्योंकि उसने हम लोगों के एंसेस्टर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और ये बोलकर एक एनर्जी अटैक से हावयू के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से हावयू को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो चाहकर भी जहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत सारे डीमन ने जकड़ कर रखा था और ये सब कुछ हावचैन अपनी आंखों से देख रहा होता है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन वो भी चाहकर इस जगह पर कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक नाइटिंग बॉय हावचैन को बताने लगते है कि दुनिया की सच्चाई तुम्हारे सामने आ सकती है और हावयू ने जो कुछ भी किया है उन सब चीजों के बारे में तुम्हें जानने को मिल सकता है। इस बात को सुनने के बाद हावचैन इस गेट के अंदर में चला जाता है। तभी हम लोगों को शायर को दिखाया जाता है जो कि हावचैन को होश में ला रही थी क्योंकि वह बहुत टाइम से बेहोश होता है इसलिए वह शायर को बोलता है मैं किस जगह पर हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को हावयू के ईग को दिखाया जाता है जिसमें हावयू इवॉल्व हो रहा था। इस चीज को देखकर हावचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो शेयर से पूछने लगता है कि हम लोग इस जगह पर कैसे पहुंचे और साथ ही हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। इस पर शेयर हावचैन को बताने लगते है कि जब हम लोग हावयू के वर्ल्ड में आए थे तब हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे इसलिए हम लोगों ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद आखिरकार तुम मिल गए और साथ ही हम लोगों ने हावयू के ईग को भी ढूंढ लिया था। इस पर हावचैन शेयर को बोलता है मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं था। इस पर शेयर बताने लगते है कि तुम जब बेहोश थे तब हम लोगों ने बहुत सारे डीमंस का सामना किया था जो कि तुम देख ही सकते हो और साथ ही हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी लोग बाहर इन डीमंस के साथ में फाइट कर रहे हैं ताकि हम लोग इस केव के अंदर में सुरक्षित रह सके। इस बात को सुनने के बाद हावचैन भी अपने साथियों के पास आ जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हावचैन को बोलने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। इस पर हावचैन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को सुनने के बाद सीमा सियान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो इन डीमन के साथ में फाइट करने लगता है और उसका साथ ये लड़की भी दे रही होती है और इन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डीमंस को मार दिया होता है जिसे दूर से हावचैन देख रहा होता है और वो बोलता है हावयू जब तक विकसित नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को उसे प्रोटेक्ट करना होगा और वो ये बोलने के बाद में फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।